जी सेल्चर में सेल्चर सेल्चर गुवाहाटी आस पास जी 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 हाँ भी पहुंचे इधर देखिए गाना उठाओ इधर घूमिए भाई ये बात मान जी और माला देखें माला देखें पासी समाज की जय समाज की जय पासी समाज की जय पासी समाज की जय डॉक्टर सुभाष पासी इलाहाबाद जय पासी धर्म जय पासी धर्म जय पासी दे दीजिए आगे हो गए आइए रामू जी अब आइए मलवान ना अब मार ले लीजिए इसी से कर दीजिए तो दिख ये ले लीजिए आप लोग कर लीजिए अरे ठीक है जनाब जी आइए अरे आप इधर आइए आप भी आ जाइए हम सब शांति
सम्मेलन के आयोजक, सम्मेलन
सज्जनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंजा सिंह मंत्री जी, माननीय भवरलाल कैथवाल जी, इंडियन पार्टी समाज के उपाध्यक्ष माननीय पार्टी राजस्थान नीरज रोहित जी, लखनऊ से चलकर आए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार रावत जी, इलाहाबाद से डॉक्टर सुभाष पासी जी, सीतापुर से चलकर आए गंगा रामदास पासी जी, मध्य प्रदेश से चलकर आए राम मौरासी जी, कानपुर से चलकर आए दिव्यांगना श्रीमती अनिता पाटी जी, और सभी मंच पर उपस्थित महान भाव सामने बैठे तीन वीरांगनाओं, मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है और आपके जरिए जाएगी, मैं सभी का स्वागत बंधन करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि
सब लोगों का सहयोग मिलेगा और हम सब एक समाज को बेहतर स्थिति में देख सकेंगे। मैं जानती हूँ बहुत ही संघर्ष का कार्य है, बहुत ही कठिनाइयों का दौर है, लेकिन संघर्षों के समय में आने वाली परेशानियों से कभी हार नहीं मानना। आजादी के दीवानों को याद रखना, कुर्बान हो गए देश की आन बान शान के लिए। अमर शहीद सरदार भगत सिंह, अमर शहीद वीरांगना ओदा देवी पासी, छोटू पासी, मदारी पासी, काकोरी कांड, चोरी चोरा कांड और पासी घाट पर अमल करते हुए भारतीय मार्ग विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहना। हमारे पूर्वजों ने क्रिमिनल एक्ट झेला, संघर्ष किया, हम आजाद हुए और हम संघर्ष करेंगे देश की नौजवान पीढ़ी के लिए। हमारी नौजवान पीढ़ी को देश की सारी महाशक्तियों में अपनी भागीदारी मिलेगी। 10-15 साल काम करते करते समाज के लिए थका रुक मत जाना, सफलता नजदीक है। किसी के पीछे नहीं भागना, किसी के बहकावे में नहीं आना, ऊपर नीचे दाएं बाएं नजर रखना, गड्ढे में गिरे हुए साथी को निकालने का पूरा प्रयास करना, पूरा का पूरा झुंड मत गिराना, किसी की बातों को में ऐसे मत आ जाना, चाहे वह कमला रावत की बात क्यों ना हो। मूल्यांकन जरूर करना मित्रों, जिन लोगों ने रास्ता बनाया उन्हें मंजिल मिली है। बने बनाए रास्ते पर चलना, बहुत मुश्किल से किराए वाला कमरा तो मिल जाएगा लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए के माध्यम से आपका उत्साह करना चाहती हूँ कि आओ भीड़ भी ना मनाओ, आओ भीड़ भी ना मनाओ, हम स्वतंत्र निभाते हैं। ज्ञान दीप वही जलाए जहाँ अंधेरा ढका पाते हैं। इनके अंदर हमसे ज्यादा, इनके अंदर हमसे ज्यादा महाशक्ति की ज्वाला है। साथियों, हमारे नौजवान पीढ़ी को 7 महाशक्तियां हासिल कैसे करनी है जरा गौर फरमाइएगा। पहली महाशक्ति धार्मिक महाशक्ति। अभी हमारा समाज हिंदू धर्म में समय होता है, लेकिन हिंदू धर्म जिसके ऊपर 3 वर्ण है, जो सूक्ष्मता को हेतव से देखते हैं, इस हेतव और हिंसा से निजात पाने के लिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए पुरातात्विक महत्व के अपने राजाओं महाराजाओं के किले, टीले, बील खंडरों, पासी सौर धर्म धर्म महापुरुषों के बारे में जब अपने धर्म नाम होंगे, समाज इकट्ठा होगा तो आगे के रास्ते अपने आप नजर आने लगेंगे। दूसरी महाशक्ति शैक्षणिक महाशक्ति। पढ़ाई तो सभी महाशक्तियों की जरूरी है, लेकिन शैक्षणिक सरकारी संस्थाओं की हालत दयनीय है। सेफ इंजीनियरिंग स्कूलों में हमारे बच्चों
भी अंदर से शैक्षणिक संस्थान खोलने की जरूरत है। तीसरी महासंघ प्रशासनिक महासंघ, जब अच्छी शिक्षा होगी तभी हम इस तरह सोच सकते हैं। शिक्षित बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामाजिक संगठनों की तरफ से कोचिंग व्यवस्था हो, जिससे हमारे बच्चे हर प्रशासनिक मुद्दे पर पहुंच सके। चौथी महासंघ आर्थिक महासंघ, सामाजिक प्रश्न के माध्यम से इस क्षेत्र में भी समाज की भागीदारी है, जैसे उद्योग व्यवसाय कारपोरेट जगत में भी आगे आने के लिए समाज के जो लोग इस क्षेत्र में हैं उन्हें समाज के योग युवाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। पांचवी महासंघ राजनैतिक महासंघ, आज के दौर में सबसे बड़ी संघ शासन चक्रा की सच है, जिसमें हमारा समाज अभी पूर्णता भागीदारी में नहीं है। हाँ, हमारे समाज के बहुत से सांसद विधायक हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि वे समाज की बात नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके टिकट कट जाने का भय, दूसरे लोगों से वोट लेने का भय होता है ना। इसीलिए मित्रों, कारण उसका यह है, हमारा समाज इधर उधर भटक रहा है। जिस दिन हमारा समाज एक धागे में माला का रूप ले लेगा, उसी दिन राजनैतिक शक्ति कुछ और होगी हमारे समाज। उसी दिन चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किस कोई भी पार्टी हो, वो हमारे समाज की आवाज को, हमारे समाज की बात को सड़क से लेकर खत्म तक सर की धार में रखेगा। और मैं तो चाहती हूँ हमारे समाज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक उसकी भागीदारी। छठी महासंघ न्यायिक महासंघ, जब शैक्षणिक प्रशासनिक राजनैतिक पर हमारी तुलनात्मक भागीदारी हो जाएगी तो न्यायिक शक्ति बहुत जरूरी है। जिला कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे तख्त और बेंच हो, यानी हमारे जज और वकील हो, जिससे हमारे समाज को न्याय मिल सके। सातवीं महासंघ मीडिया महासंघ, आज के दौर में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। प्रिंट मीडिया, अखबार, पत्रिकाएं, साहित्यिक, इस क्षेत्र में भी समाज के योग युवाओं को आगे आने की जरूरत है, और फिल्म जगत में जाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जाना होगा। साथियों, हमारा समाज लगभग 200 जातियों में बटा पड़ा है। कर्नाटक में, असम में पिछड़ी जाति में, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में, रखा गया है। और मैं चाहती हूँ जहाँ पर या आसाम सरकार से मैं मांग करती हूँ, और भी हमारे सांसद विधायक और भी अन्य पार्टियों के उनसे भी, उनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ आसाम भाइयों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, ताकि हमारे भाइयों को भी शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक में भागीदारी मिल सके। यहाँ मध्य प्रदेश, आसाम, मुंबई, दिल्ली सभी पासी समाज के प्रतिनिधि हैं। मैं आसाम भाइयों के साथ में खड़े हैं। अगर आसाम सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। इस रणनीति में आप लोग साथ हैं तो हाथ बढ़ाकर समर्थन चाहते हैं। धन्यवाद। यही केवल होनी चाहिए अपने पासी समाज के भाइयों के साथ।
Thank you.